अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर हसीब ताहिर और आप देख रहे हैं हसीब टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़्यादतीज़ यानी शुगर के मर्ज़ के ऊपर तफसीली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि शुगर का मर्ज़ कब और किस तरह लाहक होता है। खुदा न खास्ता अगर आप में से कोई भी भाई शुगर के मर्ज़ में मुबला है तो वो बिल्कुल परेशान होना छोड़ दे, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप शुगर जैसे मुजिमर से इंशाल्लाह बिल्कुल ही छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, शुगर एक किस्म की मुजी बीमारी है। ये इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाती है। दोस्तों, शुगर का जो पेशेंट होता है उसका वजन बहुत ही तेजी के साथ गिरना शुरू हो जाता है। अगर शुगर का बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो इंसान हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता है। दोस्तों, लबलबा जब इंसुलिन की ज्यादा मिकदार खारिज करना शुरू कर दे तो ज़्याबतीज़ यानी शुगर का मर्ज इंसान को लाहक हो सकता है। दोस्तों, इस मर्ज में अंतड़ियों, दिमाग, असाब, गुर्दा, आंख, जिगर या लबलबा में से किसी एक या ज्यादा अज़ा की खराबी मुमकिन हो सकती है। दोस्तों, शुगर का मर्ज दो सूरतों में लाहक हो सकता है। एक, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, यानी आप अपनी खुराक में मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी हर खुराक में आप मीठा लाजिम तौर पर यूज़ करते हैं। और दूसरा, जहनी परेशानी में मुबला रहने से। दोस्तों, बहुत ज़्यादा जहनी परेशानी में मुबला रहने से, डिप्रेशन का शिकार रहने से भी शुगर का मर्ज़ लाहक हो सकता है। दोस्तों, शुगर की इब्तदाई चंद अलामात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इन अलामात से कोई भी अलामात आपकी बॉडी में आपको नमाया नजर आए तो आप अपने फौरी तौर पर आप अपने मुआलिज से राब्ता करें। दोस्तों, शुगर का जो पेशेंट होता है इसको पेशाब पानी की तरह फीके रंग का ज्यादा मिकदार में बार बार आता है। शुगर के पेशेंट को प्यास बहुत ही ज्यादा लगती है, पैरों में वर्म आ जाता है, टांगों में दर्द रहता है, पेट उभरा हुआ होता है, पेशाब बार बार आता है, वजन बहुत ही तेजी के साथ गिरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये वो अलामात हैं जो शुगर पेशेंट में पाई जाती हैं। अगर इन अलामात में से कोई भी अलामात आपकी बॉडी में आपको नमाया नजर आए तो दोस्तों फौरन से पहले आप अपने मौलवी से राबता करें। दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप इंशाल्लाह शुगर जैसी मुजिमर से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, वो मेडिसिन है होम्योपैथी की मेक्टम T5। दोस्तों, ये एक लाजवाब मेडिसिन है। इसे पाकिस्तान में हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से इसका 100% रिजल्ट पाया। दोस्तों, इस मैक्टम T5 को यूज करने का तरीका यह है कि आपने दिन में 4 से 5 दफा 15 15 कतरे एक घूंट पानी में मिलाकर आपने पी लेने हैं। दोस्तों, और इसके साथ मैं आपको चंद एहतियात भी बताता हूं। अगर आप एहतियात करें और साथ मेडिसिन कंटिन्यूसली तकरीबन 2 से 3 माह यूज करें तो इंशाल्लाह आप शुगर जैसी मुजिमर से बिल्कुल ही छुटकारा पा लेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर शुगर का पेशेंट एहतियात नहीं करेगा तो दोस्तों वो जो मर्जी मेडिसिन यूज कर ले वो कभी भी शुगर के मर्ज से छुटकारा नहीं पा सकता। दोस्तों, एहतियात सिर्फ ये है कि अपने खाने में मीठा बिल्कुल छोड़ दे और सुबह और शाम के वक्त तेज तेज 30 मिनट वॉक करे। इंशाल्लाह उसे 2 से 3 महीने के अंदर शुगर के मर्ज से बिल्कुल छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। और मैक्टम T5 मुसलसल कंटिन्यूसली 2 से 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल हसीब ताहिर को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।